आप सब लोग साफ सफाई स्वास्थ्य सुरक्षा की कोई कमी नहीं रहे, जिसको लेकर राजद के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम ने शहर के प्रमुख छठ घाटों का निरीक्षण किया। ललियाई के कुमनिया घाट, विजय बाबू पोखर एवं कोशी घाट का भ्रमण कर साफ सफाई सुरक्षा स्वास्थ्य का जायजा लिया। इस अवसर पर डॉक्टर अहमद अशफाक करीम ने केटीएन न्यूज को बताया कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जो नगर विकास विभाग के मंत्री भी हैं, राज्य के तमाम छठ घाटों का चिन्हित कर नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के अधिकारियों, छठ व्रतियों के लिए तमाम सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए विशेष रूप से निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर कमी है, जिसे दूर करने के लिए नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर करीम ने कहा कि शहर के घाटों को लेकर बनी अस्थाई क्लब कमेटी की भूमिका सराहनीय है। जहां कमी होती है, वहां स्वयं सहायता के द्वारा पूरा करते हैं। अभी आए हैं तो पहले यहाँ का बात कीजिए। क्या भ्रमण कर रहे हैं, क्या तैयारी का क्या? देखिए, 1, 2, 3, 4 ये चौथा है जो कोसी छठ घाट पे अभी हम लोग सारे राष्ट्रीय जनता दल के जिला के सारे नेता और कार्यकर्ता सभी लोग साथ हैं और निरीक्षण किया कि चूँकि इतना महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसको हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है, हमारे सनातन धर्म के सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी मनाते हैं और ये सौहार्द का त्यौहार है, यानी सबसे मिलना जुलना, सारे मजहब के लोगों से मिलना जुलना होता है। और देखने हम ये आए हम लोग इसलिए कि घाट की सफाई हुई कि नहीं, जहाँ सिर्फ मिट्टी का घाट है वहाँ बना कि नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से इसको देखा गया कि नहीं, कि कहीं ना हो कि जो लोग पूजा करते हैं, जो लोग पानी में जाते हैं, कितना पानी है, कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, उसके लिए अभी हमने नगर निगम आयुक्त उनसे भी बात किया था हमने कि इस पर ध्यान दीजिए, उसकी सफाई पर और उसकी सुरक्षा पर उनसे भी हमने बात किया जो नगर निगम में आता है उसके लिए। और हम बधाई देना चाहते हैं जितने लोग इसमें लगे हैं, जो सफाई सुथराई के काम में लगे हैं और जाहिर है बहुत पुण्य का काम करते हैं। और हमको याद है, और जगह भी मैंने कहा कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग इंतज़ार करते थे दूसरे दिन सुबह जब होता था कि अब तो कहीं ना कहीं से ठेकुआ आएगा, फल आएगा, हम लोग खाएंगे, बड़ी खुशी से मनाते थे। और हमारे यहाँ भी हिंदू भाई, जहाँ पहले हमारा गाँव था, अब तो कटिहार हो गया हमारा, 35-40 साल से तो कटिहार में है, तो वहाँ भी बचपन में हम लोग चूँकि वहीं पैदा हुए तो बड़े ही इसे लोगों को देखते थे, सारे हिंदू भाई अपने अपने घर से अब भेजते थे, अब बड़ी खुशी से हम लोग खाते थे। और आज भी कटिहार में भी बहुत लोग भेजते हैं, हमारे कैंपस में तो डॉक्टर लोग हैं वो भेजते हैं, जो समाज के लोग हैं, जो पार्टी के लोग हैं, जो दूसरे पार्टी के लोग हैं, जनता है, वो लोग भी भेजते हैं, बड़ी खुशी से खाते हैं। ये एक ऐसा त्यौहार है जो बिहार का ही त्यौहार है, पूरे देश में मनाया जाता है, जो बिहार के लोग दूसरे राज्यों में हैं वो भी मनाते हैं, उनका देखा देखी वहाँ के भी कुछ लोग, उस प्रदेश के लोग भी मनाते हैं, लेकिन सही माने में बिहार का दीपावली हो, दुर्गा पूजा हो और ख़ास तौर पर ये छठ है, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, बड़ी खुशी के साथ, और भगवान की खुशी के लिए उम्मीदें रखते हैं लोग कि हम ये पूजा करेंगे तो ईश्वर हमें ही नहीं, हमारे परिवार को, हमारे समाज को हमेशा सुखी रखेगा। ये उसी के लिए ये त्यौहार है कि शिक्षा दे ऊपर वाला, जो हमारी नेक ख्वाहिश है उसको ईश्वर पूरा करे, भगवान पूरा करे, उसी के लिए ये त्यौहार है। हम बधाई देना चाहते हैं आज ही जो लोग त्यौहार मनाएंगे, जो त्यौहार मनाते आ रहे हैं उनको भी, और जो लोग आज समिति के जरिए, अलग अलग समितियों के जरिए ये सारा काम अंजाम दे रहे हैं कि अच्छे से ये त्यौहार कट जाए और लोग खुशियां मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जो भ्रमण के संतुष्ट हैं, जो साफ सफाई है, क्षेत्र का मुआयना किया, तो क्या ऐसा है कि अभी टाइम है, आज 15 है,
19 तारीख को शाम में ये शुरू होगा। तो मैं समझता हूँ जो कमियाँ हैं वो दो चार दिन अभी बाकी है, अभी तो कमियाँ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह समिति के लोग लगे हैं, मैं समझता हूँ और नगर निगम से भी मैंने आग्रह किया है कि भाई आप भी ध्यान दीजिए उसकी सफाई सुथराई पर, उसकी सुरक्षा पर। मैं समझता हूँ कि नगर निगम के जरिए और जो लोग खुद से कर रहे हैं इसके जरिए, मैं समझता हूँ कि जो कमियाँ अभी हैं वो मैं समझता हूँ कि 19 के पहले दूर हो जाएगी।